देहरादून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में एक महिला पैर की गंभीर चोट की सर्जरी के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वह ओटी से बाहर निकली तो उसके पेट में चीरा लगा था। सर्जन इस बात का संदेह जता रहे हैं कि जिस तरह से पेट पर चीरा लगाया गया है उससे लग रहा है कि मृता की किडनी निकाली गई है। जानकारी के मुताबिक बनगांव निवासी 32 वर्षीय महिला की मौत पर श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के बाहर लोगों ने हंगामा कर दिया। सर्जन व स्थानीय लोग अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक खजान दास व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। मृतक के सर्जन के अनुसार 32 वर्षीय उषा देवी करीब 1.5 माह पहले एक दुर्घटना में घायल हुई थी, जिसमें उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। पूर्व में अस्पताल में उसका उपचार चला, जिसके बाद वह रिकवर होने लगी थी। 23 सितंबर को पुनः सर्जरी के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी की, लेकिन जब उन्हें वार्ड में लाया गया तो पेट पर स्टेपल था। सर्जन ये नहीं समझ पाए कि सर्जरी पैर की हुई तो चीरा पेट पर क्यों लगा। अस्पताल स्टाफ ने भी इसका कोई सही जवाब नहीं दिया। शनिवार रात महिला की मौत हो गई और सर्जन इस बात का संदेह जता रहे हैं कि जिस तरह से पेट पर चीरा लगाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि मृता की किडनी निकाली गई है। मामले की छानबीन देखिए, जब ये बात सामने आई तो स्वाभाविक बात है हम भी यहाँ पर आए और खजानदास जी भी आए, और जब डॉक्टर्स से बात हुई जो एक कंफ्यूजन था कि शायद संभवतः जो है पेट की तरफ से जो है वो कट लगा है और उसके बाद इनर जो ऑर्गन है उसको निकालने का काम हुआ है, लेकिन जब अंदर गए और जब ठीक तरीके से फोटो को सही तरीके से देखा गया तो वो कट जो है बैक साइड से है, और डॉक्टर्स ने पहले ही कहा था कि जो पैर जो है फ्रैक्चर हुआ है या बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी सर्जरी के लिए हम या तो बैक साइड से या थाई से जो है मांस निकाल करके इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, इसकी सर्जरी करेंगे। तो वो क्या नाम, उन्होंने निकाला और ग्राफ्टिंग करी और इलाज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो शायद संभवतः परिवार के लोगों को लगा कि कोई ना कोई ऑर्गन जो है निकाला है, तो स्थिति अंदर जब डॉक्टरों से बात हुई स्पष्ट हो गई है। अब तो हर चीज़ जो है जब पोस्टमार्टम होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अस्पतालों में सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन जाने चाहिए कि मरीज से और मरीज के परिजनों से जो है उनका व्यवहार संयमित होना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां तब खड़ी होती है जब अस्पताल का प्रशासन सही तरीके से जो है बात नहीं करता है, तो ये जो है अस्पतालों को भी जो है इसका संज्ञान लेना भी चाहिए और ये ध्यान भी रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अस्पताल में आया है वो तो बेचारा ऐसे ही जो है अपने मरीज की वजह से परेशान है, और ऊपर से अगर अस्पताल का प्रशासन सही तरीके से बात नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात उसके मन में आशंकाएं उठती हैं। अच्छा, आपको लगता है पोस्टमार्टम के बाद भी क्या आपका वर्जन है, क्यों ये शिकायत कर रहे हैं और क्या पूरा मामला है? ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे कि एक मरीज हमारे यहाँ पे एडमिट थे, मतलब पिछले 1.5 महीने से ऑलमोस्ट एडमिटेड थे, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और शायद क्रश इंजरी थी, तो ऊपर का जो स्किन वगैरह थी वो पूरी तरह से डैमेज थी, तो फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट होना था उसमें जो ऑपरेशन होना था वो हड्डी वालों ने अपना कर दिया था, उसके बाद मरीज अपना घर लेके चले गए थे। उसके बाद 2 या 3 दिन पहले इनको वापस बुलाया गया कि क्योंकि ऊपर मसल की भी इंजरी थी और ऊपर मांस भी फटा हुआ था, तो मांस को रिपेयर करना था, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी से एक ऑपरेशन होना था जिसमें उनके ऊपर फ्लैप लगना था। फ्लैप बेसिकली ये होता है कि कहीं और से स्किन लेके उस वाले जहाँ पे स्किन डैमेज होता है उसके ऊपर वो लगा देते हैं ताकि वो रिकवरी हो सके। तो इस केस में क्या हुआ है कि डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया था कि या तो दूसरे पैर से हम फ्लैप लेंगे या हम पीठ के हिस्से से फ्लैप लेंगे और आपके पैर पे ऊपर लगाया जाएगा। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थोड़ा चला, 7-8 घंटे करीबन चला और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद मरीज जो था वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके करीब 2 घंटे बाद मरीज को सडनली ब्रेथलेसनेस हुआ, मतलब सांस लेने में कुछ दिक्कत वगैरह हुई, और उसके बाद उसको ICU में एडमिट किया गया जहाँ पे 2 या 3 घंटे के लिए उसको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, उसके बाद उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली मरीज के परिजन थे या उनके साथ वाले जो उनके रिलेटिव साथ में आए थे उनको ये था प्रॉब्लम कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो चीरा है उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा स्कार है, और उनको थोड़ा शक हो रहा था कि पीछे की हिस्से में है जो शायद नीचे तक थोड़ा एक्सटेंड हो रहा था, तो उनको ये था कि कोई ऑर्गन वगैरह तो नहीं निकाला गया।
तो उसके रिलेटेड में थोड़ा धरना प्रदर्शन जो भी हुआ, उसके बाद डॉक्टर साहब आए हैं और उन्होंने पूरी तरह उनको एक्सप्लेन किया गया है। जनप्रतिनिधि भी आए थे, दो तीन जो थे, प्रीतम सिंह जी थे और खजानदास जी थे, तो उनको भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया, वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए और मामला भी। कॉज ऑफ डेथ क्या मान रहे हैं? कॉज ऑफ डेथ अभी जो है वो सडन कार्डियक अरेस्ट ही है, कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है उनका आफ्टर ऑपरेशन। अच्छा, आपकी बात मान भी ली जाए तो जी, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो गया कि परिजन जो है वो किडनी तक बात कर रहे हैं? एक नॉर्मल मतलब लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि पैर का ऑपरेशन होना था, पैर में फ्लैप लगना था, तो पीछे चीरा क्यों दिया गया? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद या तो जिस परिजन को एक्सप्लेन किया गया वो आगे फर्दर जो उसके और रिलेटिव आए उनको ढंग से नहीं समझा पाया, क्योंकि क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि कंधे के पीछे से भी फ्लैप लिया जाएगा या दूसरे पैर से लिया जाएगा। अब क्योंकि फ्लैप ज़्यादा रिक्वायरमेंट था तो उन्होंने कंधे के पीछे वाला हिस्सा चुना, तो उसमें उनको थोड़ा डाउट हो गया कि आपने मतलब पीठ में या पेट के पीछे वाले हिस्से में छेड़छाड़ क्यों की। दो हमारे डॉक्टर साहब ने पहले उनको समझा दिया गया था, बट कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में शायद उनको समझने में कोई दिक्कत हुई। जी, मामला ये था, मेरी बहन पिछले महीने 15 तारीख को ससुराल में उनके एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा पैर में चोट थी, जिसके लिए हम इंद्रेश में 15 तारीख को ही आ गए थे पिछले महीने। एक महीने सही से इलाज चला, जब डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं प्लास्टर काट के वो डिस्चार्ज करते हैं कि सब ठीक है, अब नॉर्मल है, सर्जरी के लिए एक हफ्ते बाद आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब कल हम सर्जरी के लिए आए परसों 23 तारीख को, तो सुबह ऑपरेशन थिएटर में लिगाते हैं कि सर्जरी करनी है, तो अब ले जा देते हैं, तो शाम को जब वो बॉडी देते हैं तो अचानक बोल देते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, और जिसके थोड़ी देर बाद वो तुरंत मृत घोषित कर देते हैं, जिससे मतलब अब मैं शंकाएँ हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा ऐसे क्या था, सब नॉर्मल था, अच्छे से सब चीज़ें थी, पैरों में दिक्कत थी और उनके जो बॉडी पार्ट्स में वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में भी कट्स है, मतलब चीरे मार रखे, कुछ निकाला हुआ है, इस तरह की हमें शंकाएँ। अभी जिस सर्जरी की बात आप कर रहे हैं, किस चीज़ की सर्जरी थी? सर्जरी उन्होंने कहा कि घाव थोड़ा पैर में ज़्यादा है तो मांस काट के यहाँ लगाना पड़ेगा, तो जिससे अवगत कराया गया था। हाँ, इस बारे में हमें अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि जो इसके लिए मांस है वो यहाँ से निकाला जाएगा, ना कि ऊपर से, और उन्होंने जो चीरफाड़ है वो ऊपर करी हुई है, और जिसमें बहुत बहुत बड़ी मतलब वो है कि बहुत यहाँ से नीचे पूरे नीचे तक वहाँ से कट लगा हुआ है, तो शंका है जब तक। हाँ जी, यही थी कि आपको डाउट हो? हाँ, डाउट इसीलिए बैठे थे कि बहुत पहाड़ों से यहाँ बच्चे इस तरह के मामले आते हैं, और इन पहाड़ों से बच्चे मतलब इतने केसेस होते हैं कि इतने मतलब जानकार भी नहीं होते इस तरह के मामले, यदि पहाड़ों में इस तरह के मामले होते हैं। नेताओं द्वारा भी आप सभी बातचीत हुई? हाँ, अभी प्रशासन के भी कुछ विधायक आए थे और अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला कि पैनल के साथ इनकी जाँच की जाएगी, और यदि जाँच में कुछ पाया जाता है तो आगे कार्रवाई हम करेंगे, जब तक मेरे बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम आगे भी कार्रवाई करेंगे।